पति के लिए 14 वर्षों का वनवास काटने वाली माता सीता ने भी कुछ ऐसे पाप किए थे जिसे शायद आप ना जानते हो। और क्या आपको पता है, रामायण में जिस धोबी के कहने पर भगवान राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था ना, असल में वो धोबी नहीं बल्कि एक पंछी था। और क्या आप जानते हैं ऐसा कौन सा श्राप था जिसकी वजह से माता सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े? तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्हीं सब सवालों के जवाब। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो हम सभी जानते हैं रामायण में माता सीता के पिता राजा जनक थे और वो मिथिला के राजा थे, जिसकी वजह से माता सीता को भी मिथिला की राजकुमारी के नाम से जाना जाता था। लेकिन जरा रुकिए, शायद ये पूरा सच नहीं है। जी हाँ, असल में कहा यह जाता है कि एक बार मिथिला नरेश देवताओं के यज्ञ के लिए एक जमीन में हल चला रहे थे और उसी खेत में उनको एक नवजात बच्ची मिली और वो बच्ची देखने में बेहद ही खूबसूरत और इतनी आकर्षक थी ना कि राजा जनक उसे अपने से अलग ही नहीं कर पाए और उस बच्ची को अपनी पुत्री बनाकर अपने महल में ले आए और उसका नाम सीता रख दिया। अब वो महल में बड़े ही ठाट बाट के साथ राजसी खानदान में एक राजकुमारी की तरह पल रही थी। अब वो समय आ गया था जब वो अपनी युवा अवस्था में पहुंचने लगी थी। तभी एक दिन सखियों के साथ बगीचे में खेलते खेलते एक पंछी जोड़े की बातें सुनी। असल में ये जोड़ा एक तोता और मैना का था जो कि आपस में कुछ बातें कर रहे थे और उन्हीं बातों के बीच में सीता को अपने मुंह से अपना नाम सुनाई दिया और तभी उन जोड़ों की बातें गौर से सुनने लगी। असल में वो जोड़े प्रभु श्री राम के बारे में बात कर रहे थे। वो आपस में श्री राम जी के अपार गुणों का बखान करते हुए कह रहे थे कि आने वाले समय में राम के नाम से बहुत ही विख्यात राजा होंगे जो कि अपने अलौकिक गुणों और धर्म के लिए ही जाने जाएंगे और पृथ्वी पर काफी सालों तक राज करेंगे और उनकी रानी का नाम होगा महारानी सीता। माता सीता उस पंछी जोड़े के मुंह से ये सब सुनते हुए सोचती है कि उन जोड़ों को पकड़ा जाए और उनसे पूरी बात जानी जाए। आपको बता दे, माता सीता की उम्र उस समय काफी कम थी और अपनी एक सहेली की मदद से वो उस जोड़े को पकड़ भी लेती है। तभी माता सीता जोड़े से कहती है कि आप ये बातें किसके बारे में कर रहे हैं, आप दोनों आए कहां से हैं? तब वो पंछी बताते हैं कि वो दोनों महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। वो बताते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम रामायण है और उन्होंने अपने आश्रम में सभी शिष्यों को इसके बारे में बताया है और ये भी जिक्र किया है कि खुद भगवान विष्णु धरती पर श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। ये सब बताकर वो पंछी जोड़ा माता सीता से जाने की आज्ञा मांगता है। लेकिन माता सीता के मन में प्रभु राम को लेकर और भी कई सवाल होते हैं और वो पंछी से पूछती है कि श्री राम कहां पर जन्म लेंगे, उनकी पहचान क्या होगी। तभी वो जोड़े श्री राम के गुणों का बखान करते हुए कहते हैं कि वो एक राजकुमार की तरह जन्म लेंगे जिनके नयन कमल की तरह और सुंदरता तो इतनी होगी ना कि 100 लोग भी उनका बखान करेंगे तो कम ही होगा। तभी कच्ची उम्र की माता सीता उनसे कहती है कि क्या मैं ही वो सीता हूँ और अब तुम दोनों जब तक मेरा विवाह श्री राम से नहीं हो जाता तब तक यहीं पर रहोगे। तभी मादा पंछी बोलती है कि वो माँ बनने वाली है और वैसे भी वो जंगल के पंछी है, उन्हें महल में सुकून नहीं मिल सकता। लेकिन माता सीता तो जिद पर आ जाती है और उस मादा पंछी को अपने पास में वो रोक लेती है और नर तोते के लाख कहने पर भी वो उसे नहीं छोड़ती है। तभी अपने नर साथी की ये हालत देखकर मादा तोता बहुत ही विचलित हो जाती है और वो माता सीता को श्राप देती है कि जिस तरीके से आज मैं अपनी गर्भावस्था में अपने पति से दूर हो रही हूँ ठीक वैसे ही आपको भी यह कष्ट भोगना पड़ेगा, और ये कहकर उस मादा पंछी के प्राण निकल जाते हैं। वहीं ये देखकर नर पंछी कहता है कि मैं एक मनुष्य का जन्म लूंगा और मेरे ही कारण तुम्हें पति वियोग का दुख झेलना पड़ेगा। आपको बता दें कि ये वही धोबी था जिसके आरोपों को सुनकर प्रभु श्री राम ने माता सीता का त्याग कर दिया था।